हीच चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है? फाइनली आपका भाई आगे खून स्पेशल वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले M17 के बारे में, मतलब जो उसका ग्रुप आया है जो हम पहले एडवांस बुकिंग कर सकते हैं रॉयल पास की, ठीक है, वो आ चुका है। तो सबसे पहले हम उसका एडवांस बुकिंग भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है जो तुम लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है भाई। तो चलो मैं आगे दिखाने वाला हूँ किसका सिंह क्या होगा और क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर तुम चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर किसी बंदे का कोई सवाल वगैरह है या फिर कुछ पूछना इंस्टा पर आ सकता है, ठीक है। तो अब ग्रुप परचेस तो आया है, मगर वो सही बात है, मगर उसके बाद जो बोनस पॉइंट है वो क्यों नहीं है भाई? जो आरपी बोनस पॉइंट हमें मिल जाते, अब अगर हम इधर देखें तो इधर भी शो नहीं होते। खैर वो भी कुछ दिन में आ जाएगा, कल या फिर आज तो जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आने वाला, कल तक इंशाल्लाह शो हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, इधर तुम देख सकते हो 8वें दिन पे हमारे पास आ जाएगा M17 जूनियर वर्ल्ड पास, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो कितने आते हैं भाई, 18 नवंबर को आ जाएगा, ठीक है। 18 नवंबर को इंशाल्लाह आ जाएगा हमारे पास 17 या फिर 18, इन दोनों में से किसी एक को आ जाएगा। तो उसके बाद आज सुबह का जो ये वाला भाई ओल्ड कार फिर से रिटर्न आया है। तो अब एक चीज़ मैं बताता हूँ भाई, ये दो बार आए, एक तो ये पहले बार आया था, पहली बार जो फर्स्ट टाइम आया था, और उसके बाद दूसरी बार फिर से आया, ये जो है ना इसका तीसरी बार है, ठीक है। और इसके बाद जो एक ये वाला है कैप्टन मेसी लियोन इन्विटेशन के नाम से, अब बंदे कल वाले वीडियो पे कुछ ज़्यादा ही बोलते थे कि भाई इसके अंदर क्या मिलता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तुमने इधर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद ओपन के बाद तुम इधर गो पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और फिर इधर जो है ना तुमने शेयर करना है। अगर तुम 5 बार तक इसको शेयर करते हो तुम्हें नीचे जो टी शर्ट है वो तुम्हें मिल जाता है, मगर वो जो है ना भाई टाइम लिमिटेड होगा, परमानेंट नहीं है, ठीक है। और अगर तुम फर्स्ट टाइम एक बार शेयर करोगे, इधर देख सकते हो मेल सेक्शन में चीज़ें मिल जाती है, बेबी करेंसी मिल गई, कुछ खास इवेंट नहीं है, नॉर्मल सा ही इवेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए ग्रुप परचेस जो है ना आज सुबह जो आया था, जिस बंदे ने भाई ग्रुप परचेस मतलब परचेस किया है और उसी के साथ साथ बंदियाँ नहीं है, उसका मैं आगे सब कुछ सारा सीन बताने वाला हूँ। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो ये सीट, और उसके बाद जो मैंने भाई कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने किया था इसका भी मैंने बताया था कि 50 RP का जो सीट है वो कुछ ऐसे देखने वाला है, ठीक है। फाइनली ये चीज़ तो इधर से क्लियर हो गया, ठीक है, ये जो है ना M17 का हुआ है। और ठीक वैसा ही अगर बात की जाए भाई M18 का भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, इधर तुम देख सकते हो, ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल जाएगा। खैर M18 तो अब कुछ ज़्यादा ही दूर है, अभी जो है ना M17 है क्लोज में। तो अब कुल मिलाकर यार 6 दिन या फिर 7 दिन रह गए, 8वें दिन पे हमारा रॉयल पास आ जाएगा। तो अब जिस बंदी ने अभी से मतलब अभी से रॉयल पास परचेस करना है और अभी से एडवांस बुकिंग करना है, ये जो है ना थोड़े बहुत सस्ते में होता है, तो इधर से कर सकता है। तो अब पिछली बार अक्सर बंदों ने कहा था कि भाई जो हम पिक करते हैं कोई कमेंट, मतलब जिसके अंदर ID कोड लिखा वो हम पिक करते हैं, वो उधर पेस्ट नहीं होता है या फिर कुछ और होता है। देखो भाई अगर वो पुल नहीं होगा तो फिर तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और अगर वो पुल होगा तो तुम बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर किसी और कमेंट को भी तुम ट्राई कर सकते हो। और जिस बंदे का भाई पुल हो जाए ग्रुप, वो या फिर अपना कमेंट फिर से डिलीट करो या फिर पुल तो लिख देना, ताकि किसी और बंदे का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले मैं इसको करता हूँ इधर से परचेस, जो 290 वाला है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब 290 वाले पे क्लिक करने के बाद इधर से जो है ना हमारा एक वाचर कार्ड इधर इसके अंदर लग जाता है, और उसके बाद अगर मैं इधर फ्रेंड को इनवाइट ना करूँ, मैं डायरेक्टली इधर ग्रुप ID पे क्लिक करूँ, इधर से भी मतलब मैं ग्रुप ID उठा के किसी और को भेज सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम फ्रेंड को इनवाइट नहीं करोगे ऐसे ही, मतलब तुम्हारे पास बंदे पूरे हैं, 2 बंदे और भी हैं, तो तुम डायरेक्टली उसको अपना ID भी भेज सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ID इधर से कॉपी करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ दूसरे अकाउंट पे, उधर इसका सारा का सारा सीन समझाता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इधर से इस वक्त इसके जो ID है वो मैंने कॉपी किया, तो अब मैं आ गया इधर दूसरे अकाउंट पर। तो अब इस अकाउंट के अंदर मैंने क्या कर रहा है, सबसे पहले इधर ज्वाइन पे क्लिक करना है। इधर देखो मेरा नाम ऑलरेडी आया, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड का नाम जो है ना जल्दी आता है, और अगर मैं इधर सर्च पे क्लिक करूँ फिर भी मेरा यही नाम आएगा, ठीक है, फिर भी मेरा अकाउंट शो हो जाएगा। और इसके बाद अगर तुम 290 वाला परचेस करते हो तो भी सही, और अगर तुम 800 वाला परचेस करते हो तो भी सही, ठीक है, इन दोनों में से जो भी तुम परचेस करना चाहते हो वो कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो इसके जो ग्रुप है वो। तो अब ये जो है ना इधर सक्सेसफुल हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी 10 UC का और जो रिवार्ड है वो कब मिलते हैं, वो तुम्हें तभी मिलेंगे जो तुम्हारा टीम है वो पुल हो जाएगा, और नीचे वाले रिवार्ड जो है ना न्यू बंदे पे तुम्हें मिल जाते, ठीक है भाई। नीचे वाला जो 20 UC है और एक जो है ना प्रोटेक्शन कार्ड है, मतलब प्रोटेक्शन कार्ड तो नहीं है, RP मिशन कार्ड है, वो जो है ना तुम्हें पुल करने पे मिल जाता है। जो इसका कार्ड है अपग्रेड कार्ड, जो RP अपग्रेड कार्ड है, वो आजकल पहले हमें देखने को मिल जाता है, हर एक बंदे को पता होगा, ठीक है। तो अभी भी इधर से क्लियर हो गया। तो ये रही भाई साहब हमारी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और एक और चीज़ बताता हूँ, जिस बंदे ना भाई कमेंट में अपना जो ID वो डाली है, जिस बंदे का पुल हो गया वो प्लीज़ फिर से यार या अपना कमेंट डिलीट करो या फिर से
उधर पुल लिख देना ताकि किसी और बंदे का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन के साथ, और अपना भी ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।